गाड़ी का क्या हालत कर दी है भाई। ओए। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पहला व्लॉग खत्म हुआ और यहीं से दूसरा व्लॉग स्टार्ट होता है। सो यार, आपको अभी हम बोलान का रास्ता दिखा रहे थे और आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हमारे बोलान वाले व्लॉग को और लाइक भी किया आप लोगों ने, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस तरह हम व्लॉग डालते जाएंगे भाई, जब हम लोगों को वक्त मिलता है ना, हम डालते जाएंगे भाई व्लॉग्स। सो यार, अभी ट्रेवल हमारा थोड़ा सा भी बोलान का ट्रेवल बच गया है, हम बोलान को बाय बाय करेंगे कुछ ही देर के बाद, फिर आकर आपको चटेल मैदानी नज़र आएगा, बोरियत फुल बोरियत। यार ये जो जगह है ना, ये भी बहुत प्यारा होता है, इसको कहते हैं सिराजाबाद। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, हर जगह से रोड टूटा हुआ है रे बाबा, हर जगह से सैलाब ने भाई तबाही मचा दी, हर जगह से आपको रोड टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, बहुत मुश्किल से आने की आपका, पहले इसी रोड पे हम सफ़र करते थे, दो घंटे के बाद हम निकलते थे बोलान से, अब इसी रोड पे आपको 3 घंटे लगेंगे टोटल, 1 घंटा आपका सिर्फ इस जो ख़राब रास्ते से ना आपका गुजरना होता है। ये देखिए भाई, रोड जाम हो गया, जैसे मैं आपको कह रहा था, एक गाड़ी वहाँ से आ रहा है तो ये गाड़ियाँ रुके हुए हैं सारे, तो देखो वो गाड़ी रुक गया, अभी हम यहाँ से यहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि जब बड़े गाड़ियाँ आती है तो इस तरह का मसले मसाइल होता है। सो यार, दूसरा टनल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें वहाँ से गाड़ी भी आ रहा है। देखिए गलत करते हैं भाई, गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि उनका रूट साइड से दिया गया है यार, इस तरह करते फिर जाके एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। ये रूट इस रास्ते पे जाने वाला है, ठीक है, यानी कि बाएं हाथ वाले की है, वो जो रूट है ना, वो साइड में आपको एक और रास्ता नज़र आ रहा है, वो ये है, यहाँ से उनको जाना चाहिए, लेकिन ये गलत करते हैं। इस तरह अचानक से कोई गाड़ी घुस जाए और एकदम से कोई गाड़ी आ जाए, ये तो लग जाएंगे ना, नुकसान हो जाएगा। तो यार इस तरह के बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी करते हैं यार, इस तरह की मतलब जिसका कसूर भी नहीं है तो उसका जान भी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए हैं। और रही बाबा यहाँ पे कैमरा मैन नहीं करते हुए, ओ बाबा क्या कर रहे हो, क्या खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर हम बोलान को बाय बाय करते हैं, बोलान यहाँ पे ख़त्म हुआ, अभी हम सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं भाई चटेल मैदान की, जो मैं आपको कह रहा था बिल्कुल स्लिप मैदान है, जो आपको नज़र आएगा कुछ देर के बाद। हम स्टे भी करेंगे किसी होटल पे यार, खाना भी खाएंगे, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सर अभी यहाँ पर सफ़र ना बहुत ज़्यादा बोर होता है इस रास्ते में खासकर। रही बाबा का टोपी गिर गया, देखते हैं अजहर भाई वो टोपी लेने जा रहे हैं रोड पे। ये रहे वो भाई रोड के बीच में टोपी, रही बाबा के गिर गया, अल्लाह आपको नहीं करे, कैसे गिरा भाई आपकी बस हवा ने उठाया। रही बाबा का भाई टोपी गिर गया, क्योंकि रही बाबा करता है नसवार, और नसवार जैसे वो थूक रहा था तो उसका टोपी गिर गया। तो मामा रही भाई अल्लाह आपको नहीं गिरा, आप अगर गिर जाते साइड से तो यार, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा होता है ना रफ्तार में, तो रही बाबा का टोपी गिर गया। मगर टोपी भाई जरूर भाई पहन के आ रहा है। ये यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं, तो अभी यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। तो यार अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है खाने का, हम यहाँ पे बैठे हुए, हर वक्त हम किसी और होटल पे बैठते थे यार, हमने कहा अपना टेस्ट हम चेंज करें, लेकिन और रही बाबा का भी टोपी भाई, रही बाबा थोड़ा ख्याल से आप टोपी वो करें आप, क्योंकि रही बाबा का सर भी वो हो गया है ना, हल्का हो गया है, क्योंकि रही बाबा ये लोग हंस रहे हैं बाबा के ऊपर, हंस रहे हैं आपके ऊपर लड़के। रही बाबा जैसे बोला है बोलो, बोलने वाले को कौन रोकेगा, क्या लगेगा। रही बाबा ने अपना दाढ़ी का स्टाइल चेंज किया, मेरे ख्याल में दाढ़ी इसका किस वजह से, वजह क्या है थोड़ा बताएं लोगों को, हल्का किया, हाँ सेटिंग किया, हल्का हल्का सा किया, और रही बाबा सर्दियों में एक दफ़ा ये करता है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है भाई, यही है हमारा रही बाबा। हम लोगों का खाना आ चुका है, अभी हम खाना खाएंगे, देखेंगे टेस्ट करेंगे भाई, कौन सा होटल है आज, पलवान होटल, आज पलवान होटल, क्योंकि हम यहाँ से अक्सर जब लाइन पे होते थे हम लोग खाते थे। अरे बाबा टेस्ट कर ले आप खाने को, पहले भी अच्छा था, पहले भी अच्छा था ना, हम लोग यहाँ से खाना खाते हैं।
जब सीज़न होता है तो हम लोग यहाँ से खाना खाते हैं। अभी खाना खाएंगे, ठीक है, आपके साथ फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। सो यार हम लोगों ने खाना खा लिया, अभी हम चाय के इंतज़ार में। भाई चाय के बगैर रिंग बाबा सफ़र नहीं हो सकता ना, नहीं होता ना। जोर भाई भी चाय पिएगा और यूसुफ भाई नहीं पिएगा, क्योंकि जब भी हम सफ़र करते हैं बिना चाय के हम नहीं जा सकते इधर उधर। इस रास्ते का मैं कह रहा था काफ़ी ज़्यादा बोर होता है, बिल्कुल एक की तरह है। रिंग बाबा ऐसा ही है ना? मिंडड़ी भाई मिंडड़ी, इसको बंद कर दो था बाबा, आपका आवाज़ सही आ जा रही है बाबा। अच्छा ये क्यों बोलते हैं मिंडड़ी, उसको वजह क्या है? पहले से इसका नाम रखा हुआ है, पहले वाले लोग गुजरा भी होता है, हिंदवाड़े भी होता है। अच्छा, और साग वाग का। अच्छा ये भी होता है, होता है जामे वामे भी होते हैं। अच्छा जामे क्या है? जाम्बो। जाम्बो क्या होता है? पता ही नहीं रे बाबा को जाम्बो क्या होता है। मेरा यार ये रोड बहुत ज़्यादा बोर ही है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी तरह से ये बोर होता है। असल में हम लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं वो सिंध की तरफ कर रहे हैं। सो ये जो रास्ता अभी मैं आपको कह रहा था ना, ये रास्ता बहुत ज़्यादा बोर है। और ये रास्ता रही बाबा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाँ वजह क्या है? कोई नींद में जाता है, कोई नशे में होता है, कोई क्या। ये बात भी है यार, बस बंदे को ना एहतियात की मतलब उससे चलाना चाहिए गाड़ी को। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलता। और यहाँ पे भी सरवण तबाही मचाई है यार। बस आगे भी जाके आपसे शेयर करते जाएंगे, बस अभी फ़िलहाल ध्यान बिल्कुल अपने ड्राइविंग पे है कि कोई गलती ना हो जाए। सो यार सब सो रहे हैं भाई, जोर वाले जोर जाग रहे हैं। अच्छा सब जाग रहे हैं नहीं? सो रहे हैं वो भी, सो रहे हैं रे बाबा भी सो रहे हैं। क्योंकि यार इतना ज़्यादा बोर रास्ता है ना ये, कम से कम अभी हम लोग तकरीबन एक घंटे से हम लोग इस रोड पर सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही तरह आपके सामने है। मुझे भी नींद आ रहा, लेकिन जरूर भाई इसीलिए जगह हुआ बातचीत कर रहा है मेरे साथ ताकि मुझे नींद नहीं आ जाए। यार ये रास्ता है भाई, यार यहाँ पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, यही तो मैं आपको कह रहा था, दिखाता हूँ यार आपको। अल्लाह भाई यही इसी रोड को मैं कह रहा था आपको ना, हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। हम चेक कर रहा और साथ में ये कोई गाड़ी लगी हुई है, अल्लाह रहम करे, पता नहीं बंद होगा नहीं पता कैसा है। इसी का मैं कह रहा था आपको ना, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है यार। ओए 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 यार, अल्लाह अकबर, ये देखो इसमें लगा हुआ है और वो टायर भाई इधर पहुंचा हुआ है भाई। ओ बात ओ बात, इसमें लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये देखें गाड़ी का क्या हालत कर दी है भाई। ओए 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 खाने खराब कर दिया है यार, बिल्कुल गंदी तरह से लगा हुआ है गाड़ी यार, बहुत गंदी तरह से निकला है, एयरबैग भी निकले हुआ है यार। इसीलिए मैं कह रहा था ये जो रोड है ना इस पर बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं यार। बाबा ये हादसे भाई, ये देखिए एयरबैग भी निकला हुआ है, अल्लाह माफ़ करें, ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ है। यार इस रोड पे ना यकीन करें, इस गाड़ी को मैं 80 और 100 पे चला रहा हूँ, ये मैं जिस तरह अपने गाड़ी का रेस मैं अपने पैर पे रखता हूँ, पैर रखता हूँ रेस पे ना यार, ये भागने लग जाता है। 140 कुछ भी नहीं है इसके लिए, ये रोड बहुत ये तो कल्टी हुआ है ना ट्रैक्टर पे, कहाँ पे लगा है यार ट्रैक्टर का, वो देखिए ये क्या चीज़ है, ट्रैक्टर का है ना लगा यार, पीछे वाले से नहीं यार, ये मेरे ख्याल में रोड पे लगी हुई है बाद में, ये देखो लगे तो यही है, लगे तो यही है आगे इसका नहीं होता आगे लगे। ये है भाई देख रहे हो, हादसा हुआ है बहुत खतरनाक यार। तौबा तौबा, अभी चलते हैं यार, बस अपना सफ़र का दुआ पढ़ के भाई खैरियत से हमने घर पहुंचना है भाई। रोड बहुत ज़्यादा गंदा है, थोड़ा आबादी है और जो है वो रास्ता जो एक की तरह नजर आ रहा था अभी भी एक की तरह है आपके सामने है भाई। अरे बाबा ऐसा ही है ना, कैसे मैंने कहा एक की तरह ये रोड, वहाँ बोला से लेकर यहाँ तक सफर सिर्फ हमने खुशी से गुजारा है, थोड़ा डर के आए हम लोग। दोस्तों यहाँ से बलूचिस्तान का बॉर्डर खत्म हो जाता है इस शाम के बाद, और ये हम बाबा सिंध में इंटर हो गए, सिंध में आ गए भाई जान, सिंध में आ गए भाई। अब देखते हैं यार, अभी यहाँ से घर हम लोगों का बहुत ज़्यादा नज़दीक है, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। रहीम बाबा और यूसुफ ने तो बिल्कुल आराम किया गाड़ी में काफ़ी टाइम से, मैं और जोर भाई जाग रहे थे, काफ़ी थके हुए यार, काफ़ी थके हुए, बस जाके आराम करते हैं